ओम शांति। अब सभी भाई बहनों को देख खुशी हो रही है, क्यों? जो पहले बारी आए हैं वो अपने घर में आ गए। आप सभी भी अपने अपने स्थान से ओरिजिनल अपने घर में आ गए। मधुबन है ओरिजिनल सबका घर। तो आप किस प्लेन या ट्रेन में आए हो पता है? आप आए हो प्यार के ट्रेन में या प्लेन में? क्योंकि सभी के चेहरे पर क्या दिखाई दे रहा है अभी? बाप दादा का प्यार दिखाई दे रहा है। सबसे ज्यादा प्यार हर एक समझता है मेरा प्यार है बाबा से ज्यादा। कहीं पूछेंगे ना भाई सबसे ज्यादा प्यार किसका है, तो क्या उठाएंगे? हाथ उठाएंगे? दो दो हाथ उठाओ। बाबा से प्यार ही आपको लाया है। तो बाबा से प्यार है तो बाबा को आपने कहाँ बिठाया है? कहाँ बिठाया है? दिल में? दिल में बाबा बैठा है? पक्का? पक्का बैठा है कि कभी कभी निकल जाता है? जिसे प्यार होता है ना उसको अलग होना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बाबा तो हमारे दिल में बैठा है, माना कंबाइंड है हमारे से, हमारा बाबा है। आप क्या कहेंगे, मेरा बाबा या फलाने का बाबा? कहेंगे मेरा, पहले कहेंगे मेरा बाबा है, प्यारा बाबा है, मीठा बाबा है। तो सभी यहाँ आए हैं नए नए अनुभव करने के लिए। भले सेवा केंद्रों पर भी जाते रहे हैं लेकिन वो अनुभव और मधुबन का अनुभव उसमें फर्क है। मधुबन में आने से बहुत बड़े चांस मिलते हैं। देखो यहाँ आप निरंतर योगी सहज हो सकते, क्यों? एक तो बाबा का घर, बाबा के घर मधुबन का भोजन, मधुबन में परिवार देखो कितना बड़ा है। कितना भी वहाँ बड़ा हो लेकिन मधुबन में आने से कितना बड़ा घर हमारा और कहाँ कहाँ बाबा है वो पता पड़ जाता है। तो सभी को मधुबन में फायदा क्या उठाना है, क्योंकि यहाँ कोई जिम्मेवारी नहीं है आपकी। अगर किसकी जिम्मेवारी है तो वो थोरों की है, लेकिन आप सब और जिम्मेवारी कोई नहीं है। एक ही जिम्मेवारी बाबा देता है, मुझे याद करो। लेकिन आपसे मैंने पूछा कि बाबा को प्यार है बहुत, लेकिन कहाँ बिठाया है बाबा को? दिल में है? तो आप
आपकी दिल जो है वो सब दिल वाला मंदिर हो गई। हाँ, दिल वाला मंदिर में क्या है, चित्र है, और आपके पास दिल में चैतन्य में बाबा है। कितने भाग्यवान हो, भगवान को अपने दिल में बिठा दिया और भगवान भी बड़े खुशी से बैठ गए। भगवान भी बच्चों की महिमा करता है, वाह बच्चे वाह। तो ज्ञान में बाबा के पास तो आ गए, उसकी तो मुबारक है, बाबा के बन गए, अपने दिल में बाबा को बिठा दिया। तो जब बाबा दिल में बैठा है तो क्या मेहनत की जरूरत है, याद करना नहीं पड़ता है, याद सुत ही आता है, क्योंकि दिल में बैठा है ना। दिलाराम दिल में बैठा है, इसलिए हमको पुरुषार्थ करने में कोई मेहनत नहीं लगती। लगती है, किसको मेहनत लगती है वो हाथ उठाओ। कोई कोई उठा रहे हैं। मेहनत तब लगती है जब आप समझते कि बाबा हमारे साथ बैठे। मधुबन में आना अर्थात बाबा के साथ सदा बाबा के स्मृति में रहना। बाबा का घर है, बाबा मेरे दिल में बैठे हैं, कहाँ जाएंगे? बाबा तो नहीं निकलता है, मैं निकलता हूँ, वो बाबा की बात अलग है। बाकी बाबा तो दिल में बैठा है, बाबा करण करावन हार। जब इतना याद बाबा की रहती है तो पुरुषार्थ में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। कुछ भी पुरुषार्थ करते हैं, बाबा बैठा है ना दिल में, कि कभी कभी निकल जाता है, निकलता है। बाबा हमारे दिल में बैठा है, ये सदा जिसको याद रहता है वो हाथ उठाओ। वाह, हाथ तो बहुत उठे हैं, अभी देखना। बाबा भी देख रहा है, आप भी देख रहे हैं, और कंबाइंड है बाबा दिल में बैठा है तो कंबाइंड है ना बाबा हमारे। जो कंबाइंड होता है उसको याद करना पड़ता है या याद भूलना मुश्किल है। बस ये चेक करो कि बाबा दिल में बैठा है, मैंने बिठाया है, या आता जाता है, कभी निकल जाता है, कभी मैं बिठाता हूँ। बाबा अगर दिल में बैठा है तो आप अकेले थोड़े ही हो, बाबा आपके कंबाइंड है। फिर आप को मुश्किल क्या है? हर बात में बाबा साथी है, दिल में बैठा है तो सबसे नजदीक तो दिल ही है। मेहनत की बात ही नहीं है। अगर मानो कोई बात ऐसे होती है
तो कहो बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा बाबा हाजिर करके देखो, ये स्मृति रखो बाबा मेरे दिल में बैठा है। इसीलिए यहां देखो आबू में यादगार क्या है, दिल वाला मंदिर। ये किसका याद है? आपके दिल में बाबा है ना, इसका यादगार ये दिल वाला मंदिर। और बाबा कहते हैं मेहनत क्या करनी है, कुछ भी मेहनत नहीं, कोई भी ऐसी मुश्किलात आवे आप सब करके देखो, क्योंकि हम लोगों ने छोटेपन से किया है। मेरा बाबा कहा बाबा हाजिर है, ऐसा अनुभव है। बाबा कहते मैं हूं ही किस लिए, मेरा काम ही क्या है, मेरा काम है एक एक बच्चे के साथी बनना। साथ है मानव साथी, और कुछ भी हो जाए, मानो आपको मुश्किल लगता है तो बाबा दिल में बैठा है ना, मदद लो ना। इस स्थूल में भी देखो, मेरे साथ जो रहते हैं, अगर मेरे से कोई काम नहीं होता है तो साथ ही साथ देते हैं ना, ये तो बाबा है, आया ही हमारे लिए है। नाज है आपको, हमारे लिए बाबा आया है, है? और मधुबन में आए हैं, कभी भी अकेले यहां भी मधुबन में भी और अपने स्थान में भी अकेले कभी नहीं हो, क्योंकि आपका साथी ऐसा है जो बाबा कहो बाबा हाजिर, कोई रवाजी बाबा नहीं है, उसका सिर्फ लाभ लो। क्या है, दूसरे कामों में बिजी हो जाने के कारण बाबा के साथ का जो अनुभव है ना, वो थोड़ा भूल जाता। कौन मेरे दिल में बैठा है याद तो करो, कौन है बाबा? और बाबा से प्यार आपको लाया है, प्यार के ट्रेन में या प्लेन में आए हो आप? कौन से प्लेन या ट्रेन में आए हो? फलानी ट्रेन नहीं, बाबा के प्यार की ट्रेन में आए। तो खुशी है, खुशी है, जो सदा खुश रहते हैं वो हाथ उठाओ, सदा खुश, सदा खुश, कुछ भी हो जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। क्यों? कि खुशी जैसी कहते हैं खुराक नहीं, खुशी जैसी कोई और बड़ी चीज नहीं है। खुशी है तो जीवन है, और खुशी की कमाल पता है क्या है, जो किसी चीज में नहीं है। वो कमाल कौन सी है देखो, कोई भी चीज आपके पास है, आप किसको देते हो तो आपके पास वो कम होती है, होगी ना कम। लेकिन खुशी ऐसी चीज है जो जितना देंगे उतनी बढ़ेंगी,
कम नहीं होती। इसीलिए बाबा ने भी बोलियों में बीच बीच में पूछा है, खुशी कभी कभी तो नहीं रहती है। जब बाबा दिल में बैठा है तो बाबा के साथ खुशी भी है, शक्तियां भी है, सब है ना। या तो पूरा दिल में बिठाया नहीं है इसीलिए होती। तो आए हो मधुवन में, भाग्य है आपका जो यहां तक पहुंचे हो। अभी यहां से क्या वरदान लेके जाएंगे? भूलना क्या होता है भगवान को, बाबा को, वो भूल जाए। सदा मेरे दिल में साथी है। ऐसा अनुभव होता है यहाँ कि अभी भी दिल में नहीं बैठा है, उसकी खुशी नहीं है। जो समझते हैं मधुबन में आके बाबा मेरा साथ है, ये अनुभव एक नेचुरल होता है, वो हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ। नेचुरल, मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो हमको भी खुशी है कि आप सभी अपने घर में पहुंच गए। इसलिए बहुत बहुत मुबारक है, मुबारक है, मुबारक। बाबा हमारे कंबाइंड है। कोई भी बात मुश्किल लगे, आप बस संकल्प करो, बाबा बाबा हाजिर। इसी बात को हाजिर जब भी कहो तब हाजिर हो जाता है ना, इसीलिए वो सर्वव्यापी कहते। लेकिन हम समझते हैं कि सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन बाबा का प्यार है, इसीलिए सहज हो जाए। ओम शांति। अभी यहां से जाएंगे तो यहां से लेके क्या जाएंगे? जो बाबा का प्यार यहाँ सभी का देखा, अपने दिल का भी देखा, वो प्यार सदा दिल में रहे। इसलिए बाबा ने अपने मूल्यों में कहा है कि एक शब्द छोड़ के जाना। कौन सा शब्द? बाबा कहता है याद में रहते हो, तो कोई कोई कहता है कभी कभी, और कहते हैं प्यारे से प्यारा बाबा है। प्यारी चीज कभी भूलती है क्या? तो यहां क्या करके जाएंगे? अपने मन में ये दृढ़ संकल्प करो, संकल्प नहीं, दृढ़ संकल्प करो कि सदा एक तो खुश रहेंगे, खुशी नहीं गमाएंगे। दूसरा, सदा माया जीत बनेंगे।
क्योंकि यहाँ रह करके अगर आपने अनुभव किया होगा तो यहाँ खुशी गई, किसी की यहाँ खुशी गई, हाथ उठाओ, खुशी गई, खुशी रही, रही जिसकी वो हाथ उठाओ, है रही, हाँ रही, मत है रही खुशी। तो यहाँ अभ्यास हो गया ना, सदा खुशी रह सकती है ना। तो अगर ऐसा ही अनुभव करो, बाबा हमारे साथ है, ये स्मृति रहे, बाबा बैठा है, कंबाइंड है, मैं अकेली नहीं हूँ, कोई भी बात आवे बाबा, बस हाजिर बाबा। इसी कोई बेचारों ने हाजिर नाजिर कह दिए, लेकिन हमारे दिल में हाजिर है, ऐसे नहीं है कि सबके दिल में है, जो याद करते हैं उनके दिल में। तो यहाँ ये करना खास, कोई भी आपकी कमजोरी हो ना, पुरुषार्थी तो सभी है तब तो आए हैं, लेकिन कोई भी कमजोरी आपकी रह गई है, वो कमजोरी यहां डायरेक्ट बाबा को दे के जाओ। और अगर कोई ऐसा संस्कार है जो बार बार आपको बाबा से अलग कर देता है, जिसको कहते हैं बाबा माया आ गई, उस माया को वैसे तो बाबा कहते हैं मधुबन में आना, माना बाबा से सर्वशक्तियों का वरदान लेके जा। जब सर्वशक्तियां है आपके पास तो कोई भी संस्कार अगर रह गया है तो यहां कहाँ न कहाँ बगीचे में वृक्ष के नीचे खड़े होके यहीं छोड़ के जाना, छोड़ना तो आता है ना, छोड़ना आता है, हाथ उठाओ, छोड़ना आता है। अच्छा, फिर तो सभी भाई अच्छे हैं, भाई आपने उठाया, आपने माताओं ने उठाया, अच्छा। क्योंकि यहाँ मधुबन में आना, कहाँ आए है मधुबन, क्या है वो तो समझा ही होगा, अनुभव किया ही होगा। यहाँ स्वयं बाबा की बातें और कुछ भी नहीं, जो भी क्लासेस चलते हैं, कितने क्लासेस चलते हैं, उसमें क्या बातें होती है बाबा की ना। और आप आए भी किस लिए हो, यहाँ कुछ न कुछ और अपने में भरने के लिए। तो मेरे पास क्या भरा, क्या निकला, अगर नहीं निकाला हो कुछ भी कमजोरी तो निकाल के जाना। और वहाँ सेंटर पर जाओ
तो बाबा मेरे कंबाइंड है, दिल में बैठा है। बाबा कहो, बाबा हाजिर हो जाते। अगर दिल से कहते हो बाबा तो क्योंकि बाबा कहते हैं मैं हूं ही किसके लिए, आया ही हूं तुम बच्चों के लिए। तो दिल से बाबा कहो बस, बाबा हाजिर। मतलब से नहीं, बाबा ही दुख दे हर के सुख देगा ना, बाबा ही करेगा ना, तो बाबा आप करो ना, ऐसे नहीं। उमंग हुलास उमंग हुजत से कहो मेरा बाबा है, मैं अकेला नहीं हूँ। अकेले होते ही क्यों हो, वो कंबाइंड है। तो कभी बाबा के बिना अकेले नहीं होना सबसे नजदीक तो दिल है ना, दिल में बैठा है, कितना नजदीक। तो सभी क्या करेंगे, कोई भी कमजोरी छोड़ी या साथ ले जाएंगे। जिन्होंने छोड़ी है कमजोरी वो हाथ उठाओ। अच्छा, हाथ उठाओ, लेके नहीं जाना कमजोरी, हो जाएगा नहीं, होना ही है। होना है तो अभी होना है। समय के अकलास सुना ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हमें भी खुशी है, हमारे इतने भाई और बहने अपने घर में पहुंचे हैं। तो यहां से बिल्कुल खाली जो भी कोई ऐसी बातें हो वो यहाँ छोड़ के जाना। छोड़ना आता है, छोड़ना आता है, पीछे वाले छोड़ना आता है, हाँ आता है। तो मैं समझती हूँ बाबा देख देख हम बच्चों को कितने खुश होंगे। बाबा क्या कहेगा, वाह बच्चे वाह। व्यर्थ को खत्म, कोई भी व्यर्थ फालतू संकल्प आता है ना, जिससे आप भी तंग होते होंगे। तो जिससे तंग होते हैं ना वो यहां छोड़ के जाओ। बाबा मेरे कंबाइंड है, मैं अकेला नहीं हूं। अकेला कभी नहीं बनना। अकेले में देखो माया चांस लेती है, अगर बाबा साथ है तो माया तो कदम नहीं रख सकती। तो सब क्या बन के जाएंगे, बाबा के प्यारे प्यारे मीठे मीठे बच्चे बन के जाएंगे। कभी सब यहाँ छोड़ के मीठे मीठे प्यारे प्यारे बन के जाएंगे। है ना हिम्मत, हिम्मत है माता, हिम्मत है। वाह, हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप, मदद है बाप तो है ही है। तो यहाँ से क्या ले जाते हो, खुशियों का खजाना भर के ले जाना।
खुशी कभी कभी नहीं। बाबा को कहते हैं ना, बाबा पूछते हैं सदा खुश हो तो हाथ नहीं उठाते, कहते कभी कभी होते। तो बाबा कहते कभी कभी शब्द यहाँ छोड़ के जाओ, सदा। तो क्या ले जा रहे हो? सदा बाबा साथ है, सदा मैं निर्विघ्न हूँ, सदा बाबा के आगे आगे सेवादारी हूँ। क्योंकि हर एक को यज्ञ सेवा भी मिली हुई है अपने अपने स्थान पर। ओ, सभी अभी 2 मिनट अपने अंदर संकल्प करो, जो भी अभी भी कमजोरी कोई रह गई हो ना, वो इस हाल में छोड़ के जाओ। हो सकता है छोड़ने आता है, छोड़ने आता है उसमें हाथ उठाओ, छोड़ने में जिसको आता है, अच्छा वाह, छोड़ने में भी होशियार हो, बहुत अच्छा। तो जो भी जहां भी जाओ वहां से आए बाबा ये बच्चा तो उड़ रहा है, चल नहीं रहा है, उड़ रहा है। ऐसा पत्र आपके टीचर से आवे, क्योंकि मालूम है कि बाबा हमारे दिल में बैठा है। मेरा दिल, दिल वाला मंदिर। अच्छा, बहुत अच्छा। आपको क्या मुबारक दे, बाबा ही देख करके आपको बहुत खुश हो रहा है, बच्चे वाह बच्चे वाह। देखो यहाँ भले फोटो आपका नहीं निकला हो, लेकिन यहाँ बाबा के ऑटोमेटिक कैमरे है, उसमें तो आपका फोटो निकल गया। तो फोटो की लाज रखना। बाबा देखे, वाह वाह मेरे बच्चे, वाह मेरे बच्चे। अच्छा, छोड़ने आता है ना, कि जो भी कुछ कमी होगी वो साथ नहीं ले जाना, स्टेशन तक भी नहीं ले जाना, यहाँ ही छोड़ के जाना। बाबा कहते हैं मुझे और कुछ नहीं दो, अपनी कमी जो है वो यहाँ छोड़ के जाओ, और कुछ नहीं करो। तो सभी ने छोड़ी कमी, के साथ ले जा रहे हो, छोड़ा, हाथ उठाओ, छोड़ा, साथ तो नहीं ले जा रहे हो। अगर कमी आवे तो आप क्या करेंगे? कहेंगे अभी मैं छोड़ के आया, बाबा को के आश्रम में देख के आया। क्योंकि बाबा कहता है जो मेरा बच्चा बना है ना, वो मेरे साथ ही चले। बाबा के साथ ब्रह्मा बाबा से भी प्यार है ना, तो ब्रह्मा बाबा कहाँ जाएगा,
अपने राज में जाएगा ना, तो आप सब कहाँ जाएंगे? ब्रह्मा बाबा के साथ अपने राज में चलेंगे ना, और कहाँ थोड़ी, ये तो विनाश हो जाएगा, कहाँ जाएंगे? बाबा के साथ चलेंगे ना, जैसे ब्रह्मा बाबा सुखम वतन में बैठा है, अपने राज में जाएगा, हम भी अपने राज में जाएंगे। अच्छा, तो सभी ने छोरा के थोड़ा थोड़ा लेके जाएंगे, दो शब्द छोड़ के जाओ, एक कभी कभी रहता तो ठीक हूं, लेकिन लेकिन कह देते। तो हमको मामा कहती थी सिंधी भाषा में, लेकिन माना किन को किचरा कहते हैं, तो बाबा के मामा कहती थी लेकिन माना किचरा लेके जा रहे, छोटे छोटे आए ना हम भी, तो छोटेपन में मम्मा ये पाठ पढ़ाती थी। तो एक तो कभी कभी शब्द बोलेंगे, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी आ जाता है, ऐसे बोलेंगे। कभी कभी शब्द छोड़ेंगे ना, सदा, वाह। अच्छा, सभी से नमस्ते। Thank you.
हूँ।